धीरज जम्मू में कहाँ से हो? जम्मू मेन जम्मू से। मेन जम्मू से, तो जम्मू से धीरज क्यों ऐसा हुआ कि जबलपुर आना हुआ, दिल्ली क्यों नहीं गए? डायरेक्ट होता सफर, जम्मू तो दूर हो गया, दिल्ली जबलपुर तो दूर हो गया। सर आपका नाम बहुत है ना। अच्छा जी, तो मुझे बताओ वाकई में धीरज जो एज ए प्रोफेशन क्या था इनका, जरा इनसे पूछिए, बताइए जरा। मैं सर ट्रेनर था बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, जिम ट्रेनर था मैं। आया था, मेरे को पीसीबी का पता ही नहीं था कुछ। हाँ, और मैंने पहले दिन पीसीबी रिवॉल्व, जब आईसी रिवॉल्व किया था तो दीपक सर से पूछे मैंने क्या बोला था, मैं इतना खुश था। दीपक सर कैमरा ले लेना जरा, आओ दीपक सर, क्या बोले थे ये? सर ये बोले थे कि क्या मैं इसको रिवॉल्व भी कर पाऊंगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो क्या मेरा पैसा वसूल होगा कि नहीं। हम कहे बस दो दिन रुक जाओ, तीसरे दिन तुमसे लाइव पावर 4G निकलवा के लगवाऊंगा। और मैंने लगाया सर, और इन्होंने खुद से लगाया था। सीपीयू मेरे पास जियो का था, मैंने पहला फोन डेड कर दिया, नॉलेज नहीं थी, होना ही था। दिल्कुल, दिल्कुल। लेकिन दूसरा मैंने फिर रिवॉल्व करा और फिर उसे ऑन भी करा। ऑन किया, उसके बाद कितनी बार करा ये बताओ? उसके बाद दो बार करा था जी। सर ऐसा है, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि यहाँ पे ऐसा है कि जो 10 साल से काम कर रहा है, मुझे 7 दिन में उनके साथ खड़ा कर दिया, इससे ज़्यादा क्या देंगे। कोई भी आईसी डीएसओ तक का फ्रिक्वेंसी लेवल तक का काम सिखाया यहाँ पर? हाँ सब सब सब। मैं पीसीबी के अंदर एक कंपोनेंट से लेके एक आईसी सीपीयू तक, क्या आईसी है, क्या काम कर रहा है, सब सारी नॉलेज देती है मेरे को। अच्छा मुझे बताओ, जम्मू से कोई नया आना चाहे तो क्यों आए? मैं सर एक ही बात बोलूंगा, अगर कोई 12 घंटे मेहनत कर सकता है तभी यहाँ आए, अदरवाइज ना ही आए। पक्का? पक्का सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग थकते हैं, टीचर लोग नहीं थकते हैं। चलो भाई नहीं बनेगा, पावर पावर दिखती नहीं थी तो समझ में क्या, चेक क्या करें? नहीं, नहीं सर, पावर डीसी टू डीसी एसी तो नजर तो आए पहले कि कहाँ लगी है। आईसी नहीं पहचान देते कौन सी क्या होती है। यहाँ पर लाइव 4G पावर सीपीयू सब निकाल के लगाया है, सब निकाल के आगे जाके आपसे ब्लैक पेस्टेड और डुअल डेकर भी करवाएंगे। और मुझे बताओ जाफर कि अगर मनीष मार्केट से कोई नया सीखना आना चाहे, और उनको भी बताओ जो बैठकर आज भी बैठे हुए हैं और जो टुक्केबाजी से बना रहे हैं, जो सीखना नहीं चाहते, तो उनको बोलो थोड़ा। सबसे बड़ी बात, टुक्केबाजी में फ्यूचर है ही नहीं, नहीं है। ये 2-4-5 दिन बस आके यहाँ थोड़ा नॉलेज ले लो, अच्छा तुम्हारे 8-10-15-20 साल के लिए अच्छा हो जाएगा। और आगे जाके क्या बोलेंगे, इस रिपेयरिंग में पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो क्या चार्जिंग एडाप्टर बदलने में पैसा थोड़ा ना मिलता है? पैसा तो मिलता है, डेड सेट बनाने में, इम्यूनसी रिप्लेस करने, ये सारे में पैसा मिलता है, अनलॉकिंग करने में, कोई सेक्शन बनाने में जो कहीं नहीं बना रहा है। जी जी, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार प्रसाद। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। विजय क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर क्यों आए और अब कैसा लग रहा है? मेरा एक नॉर्मल मोबाइल शॉप का दुकान था, लेकिन मेरे पास जो भी कस्टमर जो आता था रिपेयरिंग के लिए, तो मुझे किसी और के पास लेके जाना, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल जीरो था। तो मेरे को यही प्रॉब्लम होता था कि मैं उनको लेके, तो वो भी मेरे से तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रख के ही देते थे, वो काम खुद क्यों ना मैं करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया। तो मुझे बताओ अब पहले और अब के में कितना अंतर, अभी तक के में 12 तारीख तक? अभी तक में बहुत अंतर है, अभी मैं खुद ही अपना किसी कस्टमर का सेट खुद ही बना सकता हूँ, और खुद जो प्रॉफिट हो मैं खुद रख लूंगा। डायग्नोस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लाइव यहाँ पे पावर सीपीयू सब किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल किया। कोई नया विजय आना चाहे बिहार से तो बिल्कुल आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, दे सकते हैं एकदम एकदम बिल्कुल। मुझे दिल से बताओ, बिहार के लोग बहुत देखते हैं, एक हमारा वीडियो वायरल हुआ है 15 मिलियन, विजय पता है 15 मिलियन कितने होते हैं? 1,50,00,000 व्यू गए उस वीडियो के, और ऐतिहासिक वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में। आज तक भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का वीडियो 1 करोड़ के ऊपर नहीं गया, हमारा 1,50,00,000 गया है, और उसमें 1 करोड़ व्यू खाली से बिहार से आए। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार के बड़े बड़े नेताओं के भी यहाँ पर लोग आए थे, और जो अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए आए थे, और हमने उनको तक को बोला कि जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल है। यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर डिसिप्लिन ही अगर आप मानेंगे तो ही जाके आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। आज 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 जो भी मेरा डिसिप्लिन है, इस टेलीकॉम का है, बाकी टीचरों का है, यही रिजल्ट है आपका कि आज आप खड़े होकर कुछ बता पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, और हर सेक्शन का आउटपुट निकाल पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कभी भी आपको कोई टीचर ने कोई डांटा किसी बात के लिए? नहीं नहीं, किसी क्यों? नहीं नहीं नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। जब सेक्शन कंप्लीट है तब पूछेंगे, किसी को डाउट है तो हम लोग डायरेक्ट खड़े होकर कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और सर आप पूरा कोई सब जवाब देते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तौसीफ आलम है, मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से? मुझे बताओ तौसीफ क्या करते थे इससे पहले? इसके पहले सर मैं कुछ नहीं करता था, ऐसे फ्रेशर थे। हाँ फ्रेशर थे, बिल्कुल फ्रेशर थे। मुझे कुछ पता नहीं था, एक्चुअली वो भैया वीडियो देखते थे, रिव्यू अच्छा मिलता था इसका, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट का वो वीडियो देखे, फिर उनको मतलब ये इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो है वो सबसे अच्छा लगा, फिर हमसे बात किए, फिर बताएं कि ऐसा है, ये करो, जल्दी जाओ वहाँ पे, वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जाके वहाँ पे सीखो, बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मली एकदम बिल्कुल डीपली नॉलेज से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और सब चीज़ बताते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ करता हूँ। भैया ने जो बताया वो वाकई में है कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया को बताओ कि भैया की क्या सीखे आप, भैया को देख रहे होंगे मेरी गलती, क्या बोलना चाहोगे भैया को? भैया यहाँ पे भेज के बहुत अच्छा किए हैं, और लग रहा है कि जितना वो सोचे होंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ पे मेरे को भेजा, और मेरे पैसा इन्वेस्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ
को उससे ज़्यादा मैं पैसा। मैं बताओ, सच बताओ, इस दुनिया में तुम्हारे भाई बहुत तुम्हारे चमत्कारी है, माँ बाप से भी बढ़कर, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ पूरे ईमानदारी के साथ कि आगे बढ़ाता नहीं है कोई, रिश्तेदार भी आगे नहीं बढ़ाते, पीछे खींचने वाले होते हैं, कोई कभी नहीं बताएगा सही रास्ता क्या है, क्योंकि उनको डर लगता है कि तुम पैसे कमा लोगे और उनको लगता है कि पैसे कमा के उन्हीं को आग दिखाओगे, तो ये कभी कोई नहीं बता, ना दोस्त ना भैया। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका हमेशा थैंक्स करो ये बात पे। आज ऐसे टेलीकॉम आए, तुमने लाइव 4G पावर CPU सब निकाल के लगाया सर? बिल्कुल निकाला। डेली IC जो भी सेक्शन कर रहा है, चल रहा है ICU का या डेड का, समझ में आ रहा है क्या? जी सर, थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसा कंपोनेंट या ऐसा कोई सा कनेक्टर है जो आपने निकाला ना? ना सर, हम सबने हमने निकाल के फिर किसी भी या सर सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, प्लास्टिक कनेक्टर भी? यस सर। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाइए। क्या नाम है आपका? आप भी जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। और अभी आप भी बच्चों क्या आ जाओ, आप दोनों एक साथ आइएगा। ठीक है, तो धीरज कहाँ से है? जम्मू। जम्मू से? अरे वाह, जम्मू से जब कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं जम्मू से और JNK से कोई आ रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा है। धीरज जम्मू में कहाँ से हो? जम्मू में, मेन जम्मू से। तो जम्मू से धीरज क्यों ऐसा हुआ कि जबलपुर आना हुआ, दिल्ली क्यों नहीं गए? डायरेक्ट होता सफर, जम्मू तो दूर हो गया, दिल्ली जबलपुर तो दूर हो गया। सर आपका नाम बहुत है ना? अच्छा जी, तो मुझे बताओ वाकई में धीरज जो ऐसे प्रोफेशन क्या था इनका, जरा इनसे पूछिए, बताइए जरा। मैं सर ट्रेनर था बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, जिम ट्रेनर था मैं। अरे वाह, तो आप मतलब बिल्कुल चेंज लाइन से है ना? तो आपने ऐसा मोबाइल रिपेयरिंग में आने का क्यों सोचा? सर लॉकडाउन में जिम वगैरह सारे बंद हो गए, अपनी शॉप थी वो खोली थी, वहाँ फोटो सेट वगैरह का रखा था, तो देखा इस फील्ड में पैसा आया, फ्रेंड्स की दुकान थी, मैं चलो खुद ही ट्रेनिंग ली जाए। पर धीरज मैं मानता नहीं हूँ कि आप इस लाइन पे नहीं थे, क्योंकि आपके जो जवाब होते हैं वो तो एक बहुत प्रोफेशनल जवाब होते हैं, ऐसा क्यों? सर माइंड अच्छा है ना, पेशेंस अच्छे हैं, नॉलेज है, पढ़े। एक बार धीरज के लिए जोरदार ताली बजाओ यार। धीरज बहुत कंसिस्टेंटली बहुत गजब के जवाब देता है, और थ्रू आउट इनके जवाब, इनको लगता है पढ़ाने में मजा, मतलब होता है ना स्टूडेंट को पढ़ाने में खुशी मिलती है, आप सबको मिली मेरे को, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कम कोई ज़्यादा, पर एक होता है कि नहीं, धीरज के जवाब बहुत अच्छे आते थे मेरे को, वो मेरे को एक उत्साह आता था कि आगे बताऊँ मैं। धीरज ऐसा क्यों मतलब इतना ज़्यादा माइंड लेकर आए, क्या लगा आप ये इसा टेली को मैं पहले दिन से आपके धीरज में कितना अंतर है? सब बहुत अंतर है, जब मैं यहाँ आया था मेरे को PCB का पता ही नहीं था कुछ। हाँ जी। और मैंने पहले दिन PCB रिवॉल्व, जब IC रिवॉल्व किया था तो दीपक सर से पूछे मैंने क्या बोला था, मैं इतना खुश था। दीपक सर कैमरा लेना जरा, आओ दीपक सर, क्या बोले थे ये? सर ये बोले थे कि क्या मैं इसको रिवॉल्व भी कर पाऊंगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो क्या मेरा पैसा वसूल होगा कि नहीं। हम कहें बस दो दिन रुक जाओ, तीसरे दिन तुमसे लाइव पावर 4G निकलवा के लगवाऊंगा। और मैंने लगाया सर, और इन्होंने खुद से लगाया था। CPU मेरे पास जियो का था, मैंने पहला फ़ोन डेड कर दिया, नॉलेज नहीं थी, होना ही था, लेकिन दूसरा मैंने फिर रिवॉल्व करा और फिर उसे ऑन भी करा। ऑन किया, उसके बाद कितनी बार करा ये बताओ? उसके बाद दो बार करा था। दो बार किया जी। धीरज यहाँ पर आपने लाइफ में कभी PCB पे काम नहीं किया, यहाँ पर 4-4 साल 10-10 साल हो जाते हैं, रिवॉल्विंग घिस जाती है, लोग रिवॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, IC लगाते हैं, चार लगती है, एक नहीं लगती है, आपने आते साथ लगा दिया, कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ा? कॉन्फिडेंस सर, टीम बड़ी अच्छी है। यहाँ पर टीचरों का नॉलेज बताओ कैसा है? एंडलेस है, बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है कि कोई ये स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है या इसके लिए नहीं है? यहाँ पे आप देखो कि आप खुद एक फ्रेशर हो जी, और बहुत सारे लोग और फ्रेशर है जी। सर ऐसा है, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि यहाँ पे ऐसा है कि जो 10 साल से काम कर रहा है मुझे 7 दिन में उनके साथ खड़ा कर दिया, इससे ज़्यादा क्या देंगे? कोई भी IC DSO तक का फ्रिक्वेंसी लेवल तक का काम सिखाया यहाँ पर? हाँ सब। मैं PCB के अंदर एक कंपोनेंट से लेके एक IC CPU तक, क्या IC है, क्या काम कर रहा है, सब सारी नॉलेज देती है मेरे को। अच्छा मुझे बताओ, जम्मू से कोई नया आना चाहे तो क्यों आए? मैं सर एक ही बात बोलूंगा, अगर कोई 12 घंटे मेहनत कर सकता है तभी यहाँ आए, अदरवाइज ना ही आए। पक्का? पक्का सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग थकते हैं, टीचर लोग नहीं थकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लास दी तुमने? कल टैबलेट खाई थी, 4 टैबलेट खाई थी, और वो भी डाला था लोंग का LV, अभी भी जेब में पड़ी है टैबलेट। मेरे साथ ये दोनों स्टूडेंट हैं, इन दोनों के साथ एक साथ फीडबैक लेंगे। क्या नाम है आपका? गजानंद सर, महाराष्ट्र से। मैं विशाल, मैं भी महाराष्ट्र से। साथ में हो क्या? जी सर। अरे ये तो गजब हो गया, मैं तो ऐसे ही ले रहा था। मुझे बताओ आप लोग कहाँ से आए हो दोनों? मैं लातूर से हूँ। मैं परभणी डिस्ट्रिक्ट। तो मैं MD सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब वहाँ से कॉल किया था तब MD सर से हमारी बात हुई थी, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट थे,
वो एमडी सर भी जानते हैं। फिर लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा, हम यहाँ पे आए तो सारी चीज चेंज थी। हमको ये लगा था कि हम यहाँ पे आए गलत तो नहीं आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी जगह है, इसके अलावा वर्ल्ड में मेरे हिसाब से ऐसी कोई जगह नहीं होगी। जो यहाँ सिखाते हैं वो कहीं और सिखाते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद में आपकी पूरी थोड़ी चेंज हो गई होगी। सब चेंज हो गया बिल्कुल। क्लास अटेंड करने से पहले तो लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या। मैं आपके लिए भी कहूंगा, देव सर के पास समुंदर है, जितना ले सको ले लो। ये कुआं नहीं है, समुंदर है सर। अपना माइंड पूरा खाली करके आओ और उसको पूरा भर के आओ। आज आपका भाई आपको देख रहा होगा, बहुत खुश होगा। बहुत खुश होगा सर भाई मेरा। क्या बोलना चाहोगे मुंबई में अगर अभी कोई नया आना चाहे नाला सुपारा साइड? मैं तो बोलूंगा सर, जो इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल वो आंख बंद करके ट्रेन में बैठ के इधर जबलपुर आ जाए। और एक बार जरूरी फिर से बताइए कि आप फ्रेशर है या नहीं, यहाँ बताइए बिल्कुल। अभी तो फिलहाल सर मैं फ्रेशर नहीं है। मुंबई में कहाँ से? मैं नाला सुपारा सर। नाला सुपारा? यस सर, नाम सुना है। नाला सुपारा में मेडिकल स्टोर में मैंने 9 साल काम किया है। ओके। और वो चीज में वो लाइन में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो भाई ने यहाँ पे एडमिशन मेरा करा दिया, जो कि मैं सर बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मेरा ये 14-15 दिन है सर। तो मतलब साथ जो भी हम लाइन पे काम कर रहे हैं वो चीज समझ में आ रही है बिल्कुल सर? बहुत अच्छा। क्या सेक्शन था आज सर? डेड डायग्नोस का। आज डेड डायग्नोस में रजनी आपको कैसा लगा? सॉरी आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि मैं भी अपना 3-4 मोबाइल दिया था और उसका पूरा मुझे सोल्यूशन मालूम पड़ा। अभी जाके डेड डायग्नोस करने वाले? जी सर बिल्कुल करने वाले। 4 महीने से बैठे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं? सर मैं नहीं, लड़का करता था उसके साथ में बैठ के देखता तो था। मैं बैठ के देखते थे साथ में। बैठ के देखता था फिर मैं छोड़ दूं। मैं आपको मतलब आप जाओ आप बैठो तो उसे बैठोगे कि काम करोगे? काम करेंगे सर, और अच्छे अच्छे सेट बना सकते हैं। जो डेड फोन पड़े रहते हैं मेरे यहाँ बन नहीं पाते हैं, वो सारे बना सकते हैं। डायग्नोस करोगे? यस सर कर सकते हैं। आपकी हाँ सर डेड कैसी लगी अनीस, तुमको बताओ एज अ फ्रेशर, क्योंकि तुम फ्रेशर ही हो सर। बहुत महीने वाला कोई ज्ञान नहीं होता सर। बहुत अच्छी क्लास थी और हर मशीन से बताया गया। हाँ जी सर, फिर एक चालू सेट हैंड सेट से अपना सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया मैंने, तो 3-4 बार लगाया सर, 3-4 बार भी चालू। यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर बिल्कुल। किसी को पहले दिन डरने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं सर कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छे से सिखाया जाए। दूसरा कोई लाइन था सर, लेकिन इस लाइन में मैं पूरा फ्रेशर था सर। आप मुझे बताओ कि आपने लाइव सीपीयू रिवॉल्व किया है यहाँ पर? मोबाइल के अंदर सर जितना आईसी है वो सारा और सीपीयू सब फिर से लगाया, निकाल करके पूरा फिर से लगाया सर। सीपीयू भी लगा के चालू किया फोन? जी सर। फ्रेशर होकर? जी सर। जबकि आपने कभी कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं। एक बार इनके लिए अच्छी जोरदार ताली बजाइए यार। उसको मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी अगर आना चाहता है तो हमको लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है एशिया टेलीकॉम, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाए। अगर वो जा रहा है वहाँ कहीं दूसरे जगह तो पैसा बर्बाद कर रहा है। मेहनत कितने घंटे करना पड़ेगी? मेहनत तो जो मेहनत लायक लड़का वही है, अगर मेहनत नहीं कर सकता तो वो नहीं आया। इसलिए मैं पहले से फ्रेशर था कि कुछ भी नॉलेज नहीं था, एशिया टेलीकॉम में आके बहुत कुछ नॉलेज। अब आप बताओ फ्रेशर थे, आपने लाइव पावर और सीपीयू दोनों निकाल के सर चालू किया? पूरा दोनों लाइव पावर भी सीपीयू चालू किया है कि नहीं किया? ठीक है ये गवाह है आपके, तो मुझे बताइए अब फ्रेशर मानते हो क्या अपने आपको? ना सर आप तो फ्रेशर नहीं मानते। आज क्या क्लास थी? आज क्या क्लास थी? आज डेड डायग्नोस की थी। समझ में आई? मैं बताया सर पूरा याद आने का। देखो हर जो माल का ही काम करते थे सर। किस लेवल पे? वही छोटे मोटे चार्जिंग के फोल्डर का वगैरह। कभी निकाल के लगाई? नहीं, नहीं, कभी रिबॉल की? नहीं पहले झोला छाप डॉक्टर थे सर। झोला छाप। अब मुझे बताओ दूसरे सीपीयू रिबॉल किया आपने? हां सर। वो भी स्टेंसिल कौन सी थी? यूनिवर्सल था सर। और टीचर ये जानकारी नहीं थी सर सीपीयू क्या होता क्या होता, हम दूसरे यहाँ ले जाते वो भी डेड कर देता सर। ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ लाइव सीपीयू पावर कब किया यहाँ पर? हाँ सब किया सर। और डेली जो हम डायग्नोस जो हम सर्किट डायग्राम और जो एंड टू एंड दिखाते हैं वो सब समझ में आता है? सब समझ में आता है सर। कभी ऐसा कोई आप सवाल करते हैं जो हम कभी नहीं बताते, ऐसा तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पूछ रहे हैं बताने को मना? नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हर चीज का सोल्यूशन पक्का सर। अभी आपको कैसा फील होता है अगर आज मार्केट में जाए तो? आप सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब तो ये सोच लो आप जो भी फोन आएगा एक भी रिटर्न नहीं जाएगा। लाइट का सेक्शन है, ग्राफिक्स हो गया, देखकर डीसी टू डीसी पहचानना या कोई भी नेटवर्क आईसी, नेटवर्क में मेन पीएफओ कौन सा लगा है, कौन से वोल्टेज आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डीएसओ बिना एसी उठाए कैसे हम चेक करें कि आईसी खराब है कि नहीं खराब है, ये सब कुछ? बिल्कुल सर सबका पता है सर, और सब चीज हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा एक भी सेट मेरे हिसाब से किसी प्रॉब्लम के लिए रिटर्न नहीं जाएगा। सर एक्सपीरियंस तो था लेकिन इतना नहीं था जो अभी ये नॉलेज यहाँ मिला। बोर्ड चिप लेवल पर है ना? केवल सिर्फ फोल्डर चार्जिंग सॉकेट ट्रिगर स्पीकर माइक बदलना था बस। बताओ लाइव पावर सीपीयू निकाला कि नहीं लगा? बिल्कुल सर निकाला। अभी बताओ राजस्थान से कोई नया आए फ्रेशर बच्चा यहाँ आ सकता है यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ सर उनको मैंने जो गलती करी वो नहीं करे, सीख सकते हैं बिल्कुल सर। यहाँ पे हर बच्चा सीख सकता है। यस सर फ्रेशर हो चाहे, पर सीखने के लिए उसको भी क्या चाहिए? मतलब लगन चाहिए। लगन चाहिए, लगन और मेहनत चाहिए सर। पक्का? बिल्कुल सर। सर इनके लिए यहाँ पे लाइव पावर सीपीयू सब किया आपने? जी सर लाइव पावर सीपीयू सब उतार।
मार के मैंने तो लगाया। जब आपने यहाँ पे सीपीयू रिबोल किया यूनिवर्सल स्टेंसिल से सारा टाटा सीट बना रहे हो, डेड डायग्नोस कैसा लगा सर? डेड डायग्नोस तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ईजी हो गया सर, जो मेरे यहाँ पे बैठ के टेक्नीशियन जो नहीं बना पाते थे शायद अब मैं उसे। मैं सर बताओ, आज भी कफाड़ में बैठ के लोग नहीं बना पा रहे हैं, वो तुक्केबाजी का काम कर रहे हैं और हर सेट को देखने के लिए पहले यूट्यूब खोलते हैं और देखते हैं कि क्या सेट डायग्राम मतलब क्या खराबी है। सर अब तो मैं फोन को चेक करके ही बता सकता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है कैसे। दिल्ली से कोई नया आए तो क्यों आए सर? दिल्ली से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को काम करना है प्रोफेशनल लेवल तक तो वो सिर्फ एशिया टेलीकॉम ही आए और कहीं ना जाए, क्योंकि कहीं और जाने के बाद पैसा वेस्ट ही है सर। चलो ठीक है, लखनऊ से सर। लखनऊ से हो, प्रॉपर हो? यस सर। क्या करते हैं सर? भैया के मोबाइल की शॉप है, वहाँ 7-8 महीने से बैठता था। 7-8 महीने से बैठे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं? सर मैं नहीं, लड़का करता था उसके साथ में बैठ के देखता तो था। मैं बैठ के देखते थे साथ में। बैठ के देखता था, फिर इंटरेस्ट होने लगा कि मैं भी रिपेयर फोन बना सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों नहीं 5,000 रुपये 10,000 रुपये का एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया जहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हो या एप्लीकेशन में देख सकते हो या 1,000 रुपये में, या ऐसा क्यों नहीं आपने लगा इतने महंगे इंस्टीट्यूट में क्यों आ गए? सर महंगा सर, मैं पहले 1 महीने से देख रहा था कहाँ पे जाऊँ कहाँ नहीं। मैंने यूट्यूब चैनल पे फेसबुक चैनल पे सर्च किया, हर जगह के रिव्यू सुने और उनकी स्पीच सुनी सर और काम देखा, मेरे को बस एशिया टेलीकॉम ही समझ में आया सर। पक्का? चलो अब मुझे बताओ, अब बैठने वाला लड़का एक दुकान पर जो उसे बैठ कर देखता था, अब अगर अभी उस दुकान में छोड़ दूं मैं आपको, मतलब आप जाओ आप बैठो तो उसे बैठोगे कि काम करोगे? काम करेंगे सर, और अच्छे अच्छे सेट बना सकते हैं, जो डेड फोन पड़े रहते हैं मेरे यहाँ बन नहीं पाते हैं वो सारे बना सकते हैं। डायग्नोस करोगे? यस सर, कर सकते हैं। आपकी हाँ सर, डेड डेड कैसे लगी अनीस तुमको बताओ, एज अ फ्रेशर, क्योंकि तुम फ्रेशर ही हो सर। बहुत महीने वाला कोई ज्ञान नहीं होता सर। बहुत अच्छी क्लास थी और हर मशीन से बताया गया कैसे डायग्नोस कर सकते हैं डीसी मशीन से। यहाँ पर कोई टीचर कभी ऐसा होता है कोई नॉलेज छुपा रहा है रोक रहा है ऐसा लग रहा है इनको अभी नहीं बताना है? नहीं सर, यहाँ पर जो नॉलेज दिया जाता है जो टीचर के पास है वही स्टूडेंट को नॉलेज। बताइए लाइव क्या किया आपने? चलो ये सारी जो चीजें जनता जानना चाहती है, लाइव पावर ऐसी है और सीपीयू निकाल के लगाया आपने? हाँ जी सर लगाया, पहले तो मेरा रिवॉल्विंग का ही क्लास था फर्स्ट डे। रिवॉल्विंग को आपने 4G पावर का सीपीयू का किया रिवॉल्विंग? हाँ जी सर किया, वो भी 5-6 बार एक ही दिन में किया था सर। यूनिवर्सल स्टेंसिल से किया और फिर लाइव पावर निकाला आपने? हाँ जी सर, फिर एक चालू सेट हैंड सेट से अपना सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया मैंने, तो 3-4 बार लगाया सर, 3-4 बार भी चालू। यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर बिल्कुल। किसी को पहले दिन डरने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं सर कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छे से सिखाया जाता है। या मैनेजमेंट की बात करो, यहाँ पर अगर एनडी सर या फिर हमारे मैनेजमेंट में अमन है या हॉस्टल में कहीं रहने खाने में कभी दिक्कत गई क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने में दिक्कत है ना रहने में, यहाँ पर बाकी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं सर। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि स्विमिंग पूल का मजा लेने आए हैं या फिर कोई मसाज लेने आए हैं या 2 दिन में बिरयानी खानी है तो कोई यहाँ पढ़ने आए हैं? मैं सच बताऊँ, या एक कंफर्ट जोन में रह लो या तो सीख लो, दो चीज हो सकती है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है ना। सीखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसी में बैठे और सीख भी रहे हो और कंफर्ट जोन, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और है, थैंक यू। मैं रजनीश बिहार से सर। रजनीश वेरी गुड। बिहार, बिहार में कहाँ से? सर बिहार में सीतामढ़ी जिला। बहुत अच्छी जगह है, मुझे बताइए कि वहाँ से यहाँ कैसे आना हुआ? सर मैं ऑनलाइन विजिट किया ये मोबाइल के बारे में सर, इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मुझे बहुत सारा विजिट करने के बाद पता चला एशिया टेलीकॉम बेस्ट है सर। अच्छा ऐसा लगा आपको? अब मुझे बताओ, अब तो आप यहाँ पे आए हो, खड़े हो, बात कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ में हैं और भी यहाँ पे बिहार से होंगे, बाहर अलग अलग जगह से होंगे, तो सबको ऐसे फील होता है या सिर्फ आपको होता है? नहीं सर हमको तो लगता है सबको फील होता होगा, क्योंकि आप सीखे यहाँ से? नहीं सर यहाँ से तो बहुत सीखा है, लेकिन मैं फ्रेशर था सर। बिल्कुल जी सर। मैं क्या करते थे? दूसरा कोई लाइन था सर, लेकिन इस लाइन में मैं पूरा फ्रेशर था सर। आप मुझे बताओ कि आपने लाइव सीपीयू रिवॉल्व किया है यहाँ पर? मोबाइल के अंदर सर जितना सी आईसी है वो सारा और सीपीयू फिर से लगाया, निकाल करके पूरा फिर से लगाया सर। सीपीयू भी लगा के चालू किया फोन? जी सर। फ्रेशर होकर? जी सर। जबकि आपने कभी कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं। एक बार इनके लिए अच्छी जोरदार ताली बजाइए यार, बहुत जरूरी है आप जैसे लोगों को हमें की बढ़ाना आगे और प्रोत्साहन देना, क्योंकि आप लोगों को जरूरत भी है। आप मुझे बताओ आज क्या क्लास थी? आज सर डेड डायग्नोस थी सर। तो इसमें आपके सेट थे क्या कुछ इसमें अभी? सॉरी इसमें आपके सेट थे क्या कोई? हाँ सर आपका था ना। हाँ सर। तो ये आपका सेट आपको लगा कि कहाँ से डेड है ये? जी 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 ये पता चल गया सर। आप शाम को आएंगे जब क्लास में प्रैक्टिकल तो इसका आप खुद करेंगे? हाँ मैं खुद से कर सकता हूँ सर अब। चलिए ठीक है, मुझे क्या बताइए यहाँ पर बताइए कि बिहार से अगर कोई नया आए तो क्या बोलना चाहोगे उसको? बोलना यही प्रेशर हो तो? हाँ सर उसको मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी अगर आना चाहता है तो हमको लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है एशिया टेलीकॉम, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाए। अगर वो जा रहा है वहाँ कहीं दूसरे जगह तो पैसा बर्बाद कर रहा है। मेहनत कितने घंटे करना पड़ेगी? मेहनत तो जो मेहनत लायक लड़का वही है, अगर मेहनत नहीं कर सकता तो वो नहीं आया। वो तो गिर जाएगा? हाँ सर ये तो गिर जाएगा। गिर भी गया था जी सर। ठीक है मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आ जाओ साइड हो जाओ।
हाँ बस आप लोग बैठ जाओ सब लोग ठीक है, पीछे वाले बैठे रहे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी मैं मुंबई से हूँ सर। वेरी गुड। मुंबई में लोकल से हो बाहर से हो? मुंबई के नहीं सर, लोकल के। लोकल में मुंबई में कहाँ से? मैं नाला सुपारा सर। नाला सुपारा? यस सर। नाम सुना है नाला सुपारा, वो ऐसा फिल्मों में आता है नाम। हाँ सर वो था। तो तुम कहीं काम करते हो इसका वहाँ पर? सर मैं काम करता हूँ अंधेरी साइड में मेडिकल स्टोर में, मैंने 9 साल काम किया है। ओके। और मोबाइल लाइन में इसके पहले भी मतलब इलेक्ट्रिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे भाई साहब हैं उन्होंने बोले जो तू कर रहा है वो कर ठीक है, लेकिन बड़े भाई भी मेरे मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, आज उनको 10-12 साल के ऊपर हो गया। तो उन्होंने मुझे अचानक से उनके दिमाग में क्या कि वो चीज़ में वो लाइन में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो भाई ने यहाँ पे एडमिशन मेरा करा दिया, जो कि मैं सर बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मेरा ये 14-15वां दिन है सर। तो मतलब तुम्हारा भाई बेसिकली 12 साल से काम कर रहा है और उन्होंने तुम्हें भेजा कि तुम बहुत आगे जाओ इस फील्ड में और सीखो। आज भाई से बात होती है, वो तुम्हें देखता है तो क्या बातचीत होती है? बातचीत होती है अभी जिस हिसाब से आप हम यहाँ सीखते हैं उसके बारे में पूरा बताते हैं, और वही बात हमारे भाई बोलते हैं कि वही चीज हमको यहाँ नहीं आती है। वो ये चीज़ तो यहाँ पे सीख रहे हैं। हाँ। अगर तुम्हारे भाई आते हैं मैं सच बताऊँ तो वो बहुत अच्छा सीखते हैं कि नहीं सीखते? नहीं सर मैं ये बात एक मिनट मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। ये बताइए कि कोई स्टूडेंट जैसे सपोज है कि यहाँ से सीख के जाता है, सीख के जाने के बाद किसी को फीडबैक देता है और उसकी फैमिली से वापस यहाँ आता है, तो आप भी किसी से फीडबैक लेके आए ना? जी सर आया हूं। टेलीकॉम के स्टूडेंट से फीडबैक लेके? यस सर यस सर। यहाँ से जाने के बाद? यस सर। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने उनको भाई से पहले कांटेक्ट हुआ था, तो भाई ने अभी जो इसकी अहमियत जानता है वो ही उसके बारे में बता सकता है। ठीक है, तो भाई ने मुझे आंख बंद करके बोला तू जा यहाँ पे, पूरा भरोसा है कि वहाँ से मतलब कुछ बन के आ सकते। बिल्कुल फ्रेशर थे जी। मैं बोला मैं आपको मैं बिल्कुल नहीं बताओ लाइव 4G IEC पावर निकाल के चालू? बिल्कुल सर मैं किया। और CPU निकाल के चालू किया? CPU निकाल के भी चालू किया सर। और जो डाटा शीट बना रहे हैं डेली मेरे साथ जो भी हम लाइन पे काम कर रहे हैं वो चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल सर बहुत। क्या सेक्शन था आज सर? डेड डायग्नोस का। डेड डायग्नोस में रजनी आपको कैसा लगा? सॉरी आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि मैं भी अपना 3-4 मोबाइल दिया था और उसका पूरा मुझे सोल्यूशन मालूम पड़ा। अभी जाके डेड डायग्नोस करने वाले हैं? जी सर बिल्कुल करने वाले। और आगे क्या लगता है कि अभी इतने सारे सर हैं आपके साथ में, इतने मतलब मैं जानता हूँ मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और मैं इनको घंटे घर देखता रहता हूँ, इनकी स्किल मुझे पता है, आपको ये ऐसे क्रीम लेवल पे कर देंगे कि ब्लैक पेस्टेड अपने भाई मतलब अपने भाई को भी सिखा सकते हो यहाँ? हाँ सर बिल्कुल सिखा सकते हो। सिखा सकते हो? आज आपका भाई आपको देख रहा होगा बहुत खुश होगा। खुश होगा सर भाई मेरा। क्या बोलना चाहोगे मुंबई में अगर अभी कोई नया आना चाहे नाला सुपारा साइड? मैं तो बोलूंगा सर जो इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल वो आंख बंद करके ट्रेन में बैठ के इधर जबलपुर आ जाए। और एक बार जरूरी फिर से बताइए कि आप फ्रेशर है या नहीं यहाँ बताइए। बिल्कुल अभी तो फिलहाल सर मैं फ्रेशर नहीं है, पक्का पक्का सर फ्रेशर। यस सर बहुत बहुत फ्रेशर। थैंक यू वेरी मच। आप आइए तो मेरे साथ में एक नेपाल के शहजादे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लुस आचार्य, मैं नेपाल से हूँ। क्या नाम है आपका? लुस आचार्य, मैं नेपाल से। ठीक है अच्छा नाम है। अजीब भी है थोड़ा सा। तो जो आप मुझे बताओ नेपाल से यहाँ कैसे आना हुआ? सर मैं पहले से ही वीडियो देखता था आपका, फॉलो भी किया है फेसबुक में भी देखता था। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा अभी तो अभी 20 साल है। 20 साल है। साल से पैसे इकट्ठे कर रहे थे एशिया टेलीकॉम में आने के लिए? मैं 2-3 साल से पहले साल से पैसे। बड़ी चीज है। तो मुझे बताओ 20 साल की उम्र में अभी लोग स्पाइकी बाल करते हैं अपना कान में तो पहने हो ना वो तो क्या ठीक है पर इतना करते हैं माइक वाइक में घूमते हैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, वो तुम्हारे को काम धमाई क्यों याद आ गई? तुम्हें क्यों लगा कि प्रोफेशनल कोर्स अटेंड किया जाए एक बड़े टेक्नीशियनों के साथ बैठ के, एक बड़े टीचरों के साथ बैठ के, बड़े नाम के अंडर बैठ के, तुमको ऐसा क्यों फील हुआ? तुमको क्यों नहीं लगा कि यार नहीं अभी तो मेरी उम्र कम है, मैं कहीं पर 5-10 साल काम करता हूँ बड़े हो गया तो जाऊँगा, ऐसा क्या सोचा था तुम? नहीं सर एशियाटेल मैंने ऐसा सोचा था कि एशिया टेलीकॉम में जाऊँगा तो बहुत मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, नए चीज़ मिलेगा, इसलिए मैं पहले से फ्रेशर था कि कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसे टेलिया कम में आके बहुत कुछ नॉलेज। अब आप बताओ फ्रेशर थे आपने लाइव पावर और CPU दोनों निकाल के साथ चालू? हाँ किया सर, पूरा दोनों लाइव पावर भी CPU इन्हें चालू किया है कि नहीं किया? ठीक है ये गवाह है आपके, तो मुझे बताइए अब फ्रेशर मानते हो क्या अपने आपको? ना सर अब तो फ्रेशर नहीं मानते। आज क्या क्लास थी? आज डेट डायग्नोस की थी। समझ में आई? मैं बता हाँ सर पूरा यहाँ जाने का। देखो हर जो भी चीज आप यहाँ पे हमारे साथ थ्योरी देखते हैं मेरे साथ में उसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ ठीक है, पर आप
प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, बट मैं हम करते हैं, पर आप देखते हैं चीज़ हाँ वोल्टेज आ रहे हैं ये सब है, बट वो चीज़ फिर अपनी क्लास के जाने के बाद आप लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं? सर पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। आपके जो भी डाउट है वो निकलते हैं कि नहीं? एकदम क्लास उसके लिए ही है। यहाँ पे कभी भी टाइमिंग को ऐसा बांध के रखा हुआ है क्या कि इतने बजे तो इतने बजे, नहीं तो जब कितनी बजे रात को गए थे आप यहाँ से? 10 बजे रात को। सही बोल रहे हैं भाई? अभी सभी अभी तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम होने वाला है, अभी तो कल सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक क्लास लगेगी कल, तो क्योंकि कल से हमारा सॉफ्टवेयर भी है और आपके डेड डायग्नोस और प्लस आपका सॉर्टिंग की क्लास भी चलेगी। क्या बोलना चाहेंगे नेपाल से अगर कोई नया स्टूडेंट आना चाहे? जो भी नेपाल से नया स्टूडेंट आना चाहते हैं एकदम आराम से आ सकते हैं, कोई भी ऐसा जो फ्रेशर है वो भी एक उसको डरने की चिंता, डरने की टेंशन कोई भी नहीं है, पक्का तुम अपनी गारंटी दे सकते हो? हाँ पूरा 100। ठीक है, दिन में खेल खत्म हो जाता है क्या? खाली 30 दिन का सपोर्ट है क्या तुम्हारा? ना सर एकदम एकदम बुश करके, अगर यहाँ से आने के बाद मैं आप 2-4 महीने काम करेंगे उसके बाद फिर अपने डाउट लेकर आएंगे फिर हम सिखाएंगे। यही तो एक गेम है मुबारी पेरी में, क्योंकि ये काम अपडेट भी होगा। सो जिंदगी हमारे पास 2017 के स्टूडेंट आए हैं, आप सोचो अभी तो इंस्टीट्यूट पैदा होते हैं, हम तो 2017 के बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अपडेट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे तो उनको पता है इसे टेलीकॉम बैठा। थैंक यू वेरी मच मेरे आइए, तो ये हो गया तुम लोग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। नंद किशोर, नंद किशोर कहाँ से हो भैया? भैया एमपी से हैं सर। एमपी में कहाँ से? भिंड जिले से हैं, ग्वालियर से। अरे वाह क्या बात है, ग्वालियर, ग्वालियर एक ऐसी सिटी जहाँ पे हम पैदा हुए थे। तो अब मुझे बताओ नंद किशोर क्या करते थे आप? ये मोबाइल का ही काम करते थे सर। किस लेवल पे? वही छोटे मोटे चार्जिंग के फोल्डर का वगैरह। कभी निकाल के लगाई? नहीं, नहीं, कभी रिबॉल की? नहीं, पहले झोला छाप डॉक्टर थे सर। झोला छाप। अब मुझे बताओ दूसरे सीपीयू रिबॉल किया आपने? हां सर। वो भी स्टेंसिल कौन सी थी? यूनिवर्सल था सर। और टीचर ये जानकारी नहीं थी सर सीपीयू क्या होता क्या होता, हम दूसरे यहाँ ले जाते वो भी डेट कर देता सर, वो भी डेट करता। मेरे को भी जानकारी नहीं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। सही बात है। तो वो आपको कुछ भी बोलता था आप लोग हां हां कर लेते? मेरा भी नुकसान हो रहा था, कस्टमर का भी नुकसान हो रहा था। आप अपने सेट कहीं और दे रहे थे? हाँ। अच्छा, ग्वालियर लेके आता दुकान बढ़ा के। अच्छा, ग्वालियर लेकर आते थे। मेन इलाके में जाते थे? हाँ, मेन मार्केट में। तो मुझे बताओ कि आपने इसलिए सोचा कि एसआर टेलीकॉम ज्वाइन कर लें? इसलिए सोचा कि यहाँ पर बहुत सी नॉलेज, आपको देखा भी और बहुत जगह जाकर दिल्ली भी गया था मैं देखने के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया यही रिव्यू मिला। दिल्ली में और यहाँ पे क्या खास बात है, अंतर क्या है? अरे यहाँ बहुत बड़ी खास बात है। तो ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ लाइव सीपीयू पावर कब किया यहाँ पर? हाँ सब किया सर। और डेली जो हम डायग्नोस जो हम सर्किट डायग्राम और जो एंड टू एंड दिखाते हैं वो सब समझ में आता है? सब समझ में आता है सर। कभी ऐसा कोई आप सवाल करते हैं जो हम कभी नहीं बताते, ऐसा तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पूछ रहे हैं हम बताने को मना कर रहे हैं? नहीं नहीं, हर चीज का सोल्यूशन पक्का सर। कभी कोई स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है और कभी हम ऐसा तो नहीं कि क्लास में फिर हो जाते अगले दिन नया पढ़ाने लगते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। आज क्या सेट है? आज क्या क्या डेड डायग्नोस था इसकी जानकारी नहीं लगा? बहुत बढ़िया लगा। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज है, डेड डायग्नोस क्या होता है कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ना आदमियों को बहुत साल देने पड़ते हैं, क्योंकि डेड डायग्नोस वाला वही सिखा सकता है जो बहुत सालों से काम कर रहा हो और बहुत से फोन बनाया हो, क्योंकि उसको भी आना चाहिए कि कहाँ किस किस सेक्शन में कितनी रीडिंग क्या जजमेंट होता है और जजमेंट से ही काम होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर अनुभव है टीचरों को? और बहुत ज्यादा सर, इतना सोचा भी नहीं था। तो क्या कहना चाहोगे अगर कोई नया ग्वालियर के आसपास से आना चाहे तो? और बहुत बेफिक्र आ सकता, बेफिक्र होकर। पक्का आप गारंटी दे सकते हो? हाँ सर मैं गारंटी दे सकता हूँ। सर दो लोगों के फोन भी आ चुके हैं। नंबर बोलो अपना। 9926262650। ये नंबर दे रहे हैं डायरेक्ट स्टूडेंट नंबर दे रहे हैं? हाँ सर। यहाँ पर नंबर कौन कौन दे सकता है? यहाँ पर सबसे लेंगे नंबर, बैठो नंबर लेंगे और सबको मैं बोलूंगा दिखाओ यहाँ पर कि यहाँ दिखाइए कि इनको सेट बनाने के लिए भेजो। मैं चाहता हूँ कि इनके पास में इनके इलाके से सेट जाए पर इंडिया के एक एक कोने से इनको कुरियर आए। और ये कुरियर कौन कौन बनाना चाहता है आप हाथ खड़े करके बताओ? यहाँ पर बनाना चाहते हैं ना? क्योंकि इलाके के बगल से तो सेट आएंगे ही और हमको चाहिए ऐसा काम कि हम जैसी दुकान बैठे इधर आ जाइए, आ जाओ आप इधर आ जाओ, आप इधर आके बैठ जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास काम की कमी ना हो और जब हम दुकान जाएं नहा धोकर और दुकान खोलें तो हमारे पास ऐसा 5 पार्सल पड़े रहो और सामने दुकान और ग्राहक अलग खड़ा हो, सो हमारे को इतना काम हो। तो यही तो कहता है मोबाइल रिपेयरिंग में पैसा है, पर मैं हमेशा क्या कहता हूँ, पैसा उनके साथ है जिनको नॉलेज है। चार्जर बनाने वाले की और या फिर माइक बनाने वाले या सीसी बनाने वाले इस रिपेयरिंग में कोई पैसा कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते सर। पक्का? पक्का। क्या करते थे आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं मनीष हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से। और क्या करते थे आप मनीष? पहले रिपेयरिंग का काम ही था, मैं कम से कम 8 साल हो गए मेरे को इस लाइन में। हाँ। लेकिन इस चीज का नॉलेज नहीं था तो हम वो वैसे ही जीरो थे। पहले बस वो सॉकेट आईसी को पहचाना वहचाना कुछ भी नहीं आता था। अब कौन सी ऐसी क्या वर्क करती है और कैसे लगाना है उसको और क्या काम करती है इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं था।
तो अब मनीष यहाँ आने के बाद पहले और अब के में अभी फिलहाल आज के दिन में मैं तो बोलता हूँ पूरा कोर्स नहीं, वो आधा कोर्स है अभी, तो सॉफ्टवेयर एमएमसी बहुत कुछ बाकी है। बताओ क्या अभी आपको कैसा फील होता है अगर आज मार्केट में जाए तो? आप सर बहुत अच्छा फील हो रहा है अब तो, ये सोच लो आप जो भी फोन आएगा एक भी रिटर्न नहीं जाएगा। लाइट का सेक्शन है, ग्राफिक्स हो गया, देख कर डीसी टू डीसी पहचानना या कोई भी नेटवर्क आईसी, नेटवर्क में मेन पीएफओ कौन सा लगा है, कौन से वोल्टेज आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डीएसओ बिना एसी उठाए कैसे हम चेक करें कि आईसी खराब है कि नहीं खराब है, ये सब कुछ? बिल्कुल सर सबका पता है सर, और सब चीज हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा एक भी सेट मेरे हिसाब से किसी प्रॉब्लम के लिए रिटर्न नहीं जाए। आपने लाइव पावर और सीपीयू दोनों किया है ना? हाँ बिल्कुल किया है सर। किया है। और आपने आज डायरेक्ट डायग्नोस कैसा लगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सर, सबसे यूं मानो तो सबसे बेस्ट क्लास यूं मान लो आज की तारीख में, जो भी है सेट कुछ पहचानना डायग्नोस करना सब चीज आज क्लियर हुई है। ये पहले दिन पढ़ाते तो कभी समझ में आता क्या? नहीं आता, क्योंकि हर एक सेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अशोक। अशोक कहाँ से आप? राजस्थान। राजस्थान, आप दोनों साथ में है क्या? सर भाई भाई, भाई, भाई। अच्छा आप बड़े भाई है कोई छोटे भाई? दोस्त है, हम साथ में भाई की जैसे रहते हैं। हमने जब भी काम चालू किया ना तो मोबाइल रिपेयरिंग का हमने साथ में काम चालू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है अशोक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको कितना एक्सपीरियंस था इस लाइन में? सर एक्सपीरियंस तो था लेकिन इतना नहीं था जो अभी ये नॉलेज यहाँ मिला। बोर्ड चिप लेवल पर है ना? केवल सिर्फ फोल्डर चार्जिंग सॉकेट रिंगर स्पीकर माइक बदलना था बस। सही है। अभी मुझे बताओ अगर यही वाकई में आप 2018 को ज्वाइन करते, 2020 में ज्वाइन करते तो आज एशिया टेलीकॉम से? बहुत बड़ी गलती हुई हमारे। ये गलती मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं। क्या बोलना चाहोगे एक यहाँ पे बैठे स्टूडेंट लोगों को जो देख रहे हैं? देखो मैं ये जानना, लोग क्या गलती करते हैं, उन लोगों को है ना लगता है कि कोई नहीं यार देख लेंगे, एक सलूशन आया यूट्यूब देख लेते हैं। तो क्या यूट्यूब देख के क्या वो काम हम भी करते थे लेकिन उसमें क्या कितने मोबाइल डेड भी हो गए थे, डेड हो गए थे, बहुत से फॉल्ट चले जाते थे। फॉल्ट मतलब आया किस लिए और क्या प्रॉब्लम हो जाती थी सर, बहुत सारा काम। लेकिन आज यहाँ पे आके देखा कि जम्पर का कोई काम नहीं है, यूट्यूब फेक वीडियो सर। हाँ सही बात है। कितने सारे वीडियो तो मैंने आपको बताए सर। अच्छा ये बताओ एशिया टेलीकॉम बोर्डियो से पढ़ाता है क्या? सर नहीं। पक्का? बिल्कुल। मुझे बताओ मैंने यहाँ पे कब आपको यहाँ पे बोर्डियो से ही बोला कि बोर्डियो से पढ़ो या बोर्डियो से पढ़ाए कभी आपको? मैं डायग्राम से पढ़ाता हूँ आपको। किससे पढ़ाता हूँ? डायग्राम से, स्कीमेटिक डायग्राम खोलता हूँ, सर्किट को एंड टू एंड बताता हूँ। मैंने कितनी बार बताया कि बोर्डियो आधा अधूरा नॉलेज? सर बोर्डियो बच्चों का गेम है। मैंने बोला कि बोर्डियो से, अभी मैंने एक वीडियो डाला है बोर्डियो पर और उसमें बताया कि डबल चार्जिंग है इसी सर्किट सर, जो बोर्डियो ने बताया नहीं सर, बताया नहीं सर। चलो मुझे बताओ लाइव पावर सीपीयू निकाला कि नहीं लगा? बिल्कुल सर निकाला। अभी बताओ राजस्थान से कोई नया आए फ्रेशर बच्चा यहाँ आ सकता है यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ सर उनको, मैंने जो गलती करी वो नहीं करें, सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे हर बच्चा सीख सकता है। यस सर, फ्रेशर हो चाहे, पर सीखने के लिए उसको भी क्या चाहिए? मतलब लगन चाहिए, लगन चाहिए, लगन और मेहनत चाहिए सर। पक्का? बिल्कुल सर। सर इनके लिए क्लिपिंग बनती है, इनको एक प्रकार का बहुत बड़ा दर्द है पर बाकी उस दर्द को इग्नोर करा इन्होंने और टेबलेट खा के बिल्कुल सर 14 घंटे बैठे हैं यहां पर। सर 3-4 दिन से मेरे सारी प्रॉब्लम जो सेशन में था लेकिन मैं क्लास को मिस नहीं करना चाहता था। क्या है आपको? मैंने पता नहीं था क्या वो सर, मेरे यहाँ पे पेन हो रहा था गर्दन में, तो सर मेरे से क्या गर्दन इधर उधर नहीं मुड़ रही थी। अरे बाप रे। तो सर मैंने मतलब टेबलेट खा करके मैंने क्लास से ज्वाइन करी सर। अच्छा जब क्लास में पहले दिन दूसरे दिन बैठे तो अहमियत पता चल गई कि यहाँ से जाना नहीं है? ना नहीं जाना। पक्का? बिल्कुल सर, मिस नहीं करना, इसीलिए मैंने दर्द कब लगा कि पैसा वसूल हो गया आपका यहाँ पर? सच बताओ सर फर्स्ट डे से लग गया। ऐसा लगा था कि यहाँ पर आएंगे तो पैसा वसूल हो जाएगा? हम कंपोनेंट को जानते नहीं थे, हम उनको ऐसे समझते थे इनको हटा देते तो भी फोन चलता रहेगा, तो पता नहीं मतलब कंपोनेंट की जानकारी यहाँ पर आके मिली सर। सही बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप बोलना चाहूंगा मैं एमडी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब वहाँ से कॉल किया था तब एमडी सर से हमारी बात हुई थी तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट थे। वो एमडी सर भी जानते हैं फिर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। हम यहाँ पे आए तो सारी चीज़ चेंज थी, हमको ये लगा था कि हम यहाँ पे आए गलत तो नहीं आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा वर्ल्ड में मेरे हिसाब से ऐसी कोई जगह नहीं होगी, जो यहाँ सिखाते हैं वो कहीं और सिखाते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद में आपकी पूरी थोड़ी चेंज हो गई होगी? सब चेंज हो गया सर बिल्कुल। क्लास अटेंड करने से पहले तो लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या। मैं आपके लिए भी कहूँगा देव सर के पास समुंदर है, जितना ले सको ले लो, ले लो सर, ये कुआं नहीं है समुंदर है सर। अपना माइंड पूरा खाली करके आओ और उसको पूरा भर के आओ। थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है और एक और तुम बच्चे हो बेटा रे, आजा आ जाना। सो यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव, मैं दिल्ली से। दिल्ली से है, दिल्ली से मेरा दोस्त आया, दिल्ली से आओ। सो मेरे को बताओ कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में क्या नहीं है? दिल्ली में तो सब कुछ है यार। जबलपुर तो सुना होगा कभी सर? सुना था क्या? जी सर सुना था। तो जबलपुर क्यों आ गए, दिल्ली में क्यों नहीं पढ़े? भरोसा नहीं हुआ दिल्ली पर?
सर ये भरोसा इसलिए था कि मैं बहुत दिनों से मतलब जिस दुकान पे मैं काम करता था वहाँ पे सिर्फ मैं काउंटर अटेंडिंग का काम करता था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर मैं देखता था कि रिपेयरिंग की शॉप में। जी सर रिपेयरिंग अच्छा। की शॉप में। और मैं देखता था कि मेरे यहाँ पे जो काम करने वाले थे वो सर सेट तो बनाते थे लेकिन कुछ सेट जो रिटर्न चले जाते थे उसका मुझे बहुत दुख होता था सर, क्योंकि सर डे बाय डे इतने फोन आते थे हमारी दुकान पर लेकिन ये कि वो बन के नहीं जाते थे। तो मुझे सर ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो एशिया टेलीकॉम क्यों आ गए? दिल्ली में कहीं सीख लेते वहीं पर गफार मार्केट में। गफार मार्केट में सर नहीं जाना था ना, क्योंकि सर यहाँ पे सर मुझे देव सर से मिलना था। अच्छा ऐसा है क्या? जी सर। तो मेरे को जानते थे क्या पहले? देखते सर मैं 2016 से आपको फॉलो कर रहा हूं। जी सर, जब से ही मैं सोचता था कि पैसे इकट्ठे करके मैं यहाँ पे आकर काम सीखूंगा सर। मुझे बताओ एक पहले दिन में और अभी तक में, ये अभी तो आधा कोर्स है, कितना अंतर है आपको? अब काउंटर में कैशियर की जगह पे बैठना है कि अंदर टेक्नीशियन की जगह पे? सर अब तो टेक्नीशियन की जगह पे बैठना सर। अब तो भैया भी कहते थे कि भाई अब काउंटर देखता था, अब तू अब इस लेवल पे आ चुका है, अब काम करने की हैसियत में अब तू काम कर सकता है वहाँ पे जाकर के। तो इसलिए सर मैंने भी देखा आपको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा आपने स्टूडेंट से बढ़ चढ़ के आपने जवाब दिए और आपके जवाब मेरे को हमेशा कंसिस्टेंटली आपके जवाब सही होते थे और बहुत अच्छा है। मैं आपके भाई को कहूंगा बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये। तो मुझे बताओ यहाँ पे लाइव पावर सीपीयू सब किया आपने? जी सर लाइव पावर सीपीयू सब उतार के मैंने लगाया। जब आपने यहाँ पे सीपीयू रिबोल किया यूनिवर्सल स्टेंसिल से सारा डाटा सीट बना रहे हो, डेट डायग्नोस कैसा लगा? सर डेट डायग्नोस तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ईजी हो गया सर, जो मेरे यहाँ पे बैठ के टेक्नीशियन जो नहीं बना पाते थे शायद अब मैं उसे। मैं सर बताओ आज भी गफार में बैठ के लोग नहीं बना पा रहे हैं, वो तुक्केबाजी का काम कर रहे हैं और हर सेट को देखने के लिए पहले यूट्यूब खोलते हैं और देखते हैं कि क्या सेट डायग्राम मतलब क्या खराबी है। सर अब तो मैं फोन को चेक करके ही बता सकता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है कैसे। दिल्ली से कोई नया आया तो क्यों आए? सर दिल्ली से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को काम करना है प्रोफेशनल लेवल तक तो वो सिर्फ एशिया टेलीकॉम ही आए और कहीं ना जाए, क्योंकि कहीं और जाने के बाद पैसा वेस्ट ही है सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है और ये हमारे यहाँ के बाहुबली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर खान है। कहाँ से? मैं मुंबई से। मुंबई में कहाँ से? मुंबई से मैं मनीष मार्केट से। मनीष मार्केट, मनीष मार्केट का सेकेंड स्टूडेंट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, इससे पहले हमारे पास में आए थे, क्या नाम था? राजू। वफा खान से प्रेरित हो गया है। अच्छा वफा खान से प्रेरित हो गया है। वफा खान के रिश्तेदार हो गए? वो हमारे मामा है। मामा लगते हैं आपके, बहुत अच्छे हैं वो। क्या बोले उन्होंने, क्यों जाना है आपने? बोले भांजे तुम सोचो मत, चुपचाप सीधे वहीं चले जाओ। क्या करते थे इससे पहले? इससे आ जाओ। आप देख सकते हैं जैसे ये भी किसी का फीडबैक लेके आए, अपने मामू का फीडबैक लेके आए। अगर मामू ने सीखा है तभी भांजा भी आया यहाँ पर, है ना, इस बात का प्रूफ है ये। वफा खान यहाँ पर आकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा लगा तभी तो भेजा होगा। जी जी, उन्होंने कहा आप जाइए बिंदास बेफिक्र होकर, कोई चीज का टेंशन नहीं रहेगा, वहाँ के जो उस्ताद लोग हैं वो तुम्हारे को आगे बढ़ाएंगे, पीछे उनका हाथ रहेगा तुम्हारे। बोले तुम जब तक चाहोगे तब तक वो तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। और सर जब यहाँ आए पहले दिन आप लोगों ने सबसे पहले यही बात बोला कि आप कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, बस सर सब वही खत्म हो जाता है सब। तो आपको यहाँ पर पढ़ के संतोषजनक और फीलिंग आती है ऐसा कि कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं मैं काम करूंगा मार्केट में? जी जी जी, बहुत अच्छे से करूंगा। पहले सब रिटर्न जाते थे, अब नहीं आएगा। आज क्या सीन था? डेड डायग्नोस का था, बहुत अच्छा लगा सर। ये सब नहीं होता था, चलो भाई नहीं बनेगा, पावर दिखती नहीं थी तो समझ में क्या चेक क्या करे। पावर डीसी टू डीसी तो नजर तो आए पहले कि कहाँ लगी है, आईसी नहीं पहचानते थे कौन सी क्या होती है। यहाँ पर लाइव 4G पावर सीपीयू सब निकाल के लगा, सब निकाल के आपसे ब्लैक पेस्टेड और डुअल डेकर भी करवाई। और मुझे बताओ जाफर कि अगर मनीष मार्केट से कोई नया सीखना आना चाहे और उनको भी बताओ जो बैठकर आज भी बैठे हुए हैं और जो टुक्केबाजी से बना रहे हैं जो सीखना नहीं चाहते, तो उनको बोलो थोड़ा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात टुक्केबाजी में कोई फ्यूचर है ही नहीं, नहीं है, दो दिन चार दिन पांच दिन बस, आके यहाँ थोड़ा नॉलेज ले लो अच्छा तुम्हारे 8-10-15-20 साल के लिए अच्छा हो जाए। और आगे जाके क्या बोलेंगे, इस रिपेयरिंग में पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो क्या चार्जिंग कनेक्टर बदलने में पैसा थोड़ा ना मिलता है? पैसा तो मिलता है डेड सेट बनाने में, इम्यूनसी रिप्लेस करने, ये सारे में पैसा मिलता है, अनलॉकिंग करने में, कोई सेक्शन बनाने में जो कहीं नहीं बना रहा है। जी जी, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार प्रसाद। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से विजय, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर, क्यों आए और अब कैसा लग रहा है? मेरा एक नॉर्मल मोबाइल शॉप का दुकान था लेकिन मेरे पास जो भी कस्टमर जो आता था रिपेयरिंग के लिए तो मुझे किसी और के पास लेके जाना, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल जीरो था। तो मेरे को यही प्रॉब्लम होता था कि मैं उनको लेके तो वो भी मेरे से तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रख के ही देते थे, वो काम खुद क्यों ना मैं करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया। तो मुझे बताओ अब पहले और अब के में कितना अंतर अभी तक
के में 12 तारीख तक? अभी तक में बहुत अंतर है, अभी मैं खुद ही अपना किसी कस्टमर का सेट खुद ही बना सकता हूँ और खुद जो प्रॉफिट हो मैं खुद रख लूंगा। डायग्नोस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लाइव यहाँ पे पावर सीपीयू सब किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल किया। कोई नया विजय आना चाहे बिहार से तो बिल्कुल आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, दे सकते हैं एकदम एकदम बिल्कुल। मुझे दिल से बताओ, बिहार के लोग बहुत देखते हैं, एक हमारा वीडियो वायरल हुआ है 15 मिलियन, विजय पता है 15 मिलियन कितने होते हैं? 1,50,00,000 व्यू गए उस वीडियो के, और ऐतिहासिक वीडियो है। मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आज तक भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का वीडियो 1 करोड़ के ऊपर नहीं गया, हमारा 1,50,00,000 गया है और उसमें 1 करोड़ व्यू खाली से बिहार से आए। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार के बड़े बड़े नेताओं के भी यहां पर लोग आए थे और जो अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए आए थे, और हमने उनको तक को बोला कि जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल है। यहां पे डिसिप्लिन कैसा है? बिल्कुल सर, यहां पे अगर डिसिप्लिन ही अगर आप मानेंगे तो ही जाके आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। आज जो मेरा डिसिप्लिन है, इस टेलीकॉम का है, बाकी टीचरों का है, यही रिजल्ट है आपका कि आज आप खड़े होकर कुछ बता पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं और हर सेक्शन का आउटपुट निकाल पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कभी भी आपको कोई टीचर ने कहीं डांटा किसी बात के लिए? नहीं नहीं, किसी क्यों? नहीं नहीं नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। जब सेक्शन कंप्लीट है तब पूछेंगे, किसी को डाउट है तो हम लोग डायरेक्ट खड़े होकर कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं और सर आप पूरा कोई सब जवाब देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तौसीफ आलम है, मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से? मुझे बताओ तौसीफ क्या करते थे इससे पहले? इसके पहले सर मैं कुछ नहीं करता था, ऐसे वो फ्रेशर थे। हाँ फ्रेशर थे, बिल्कुल फ्रेशर थे। मुझे कुछ पता नहीं था, वो एक्चुअली वो भैया वीडियो देखते थे, रिव्यू अच्छा मिलता था इसका, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट का वो वीडियो देखे, फिर उनको मतलब ये इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो है वो सबसे अच्छा लगा, फिर हमसे बात किए, फिर बताएं कि ऐसा है, ये करो, जल्दी जाओ वहाँ पे, वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जाकर वहाँ पे सीखो, बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मली एकदम बिल्कुल डीपली नॉलेज से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और सब चीज़ बताते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ करता हूँ। भैया ने जो बताया वो वाकई में है कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया को बताओ कि भैया की क्या सीखे आप, भैया को देख रहे होंगे मेरी गलती, क्या बोलना चाहोगे भैया को? भैया यहाँ पे भेज के बहुत अच्छा किए हैं और लग रहा है कि जितना वो सोचे होंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ पे मेरे को भेजा और मेरे को पैसा इन्वेस्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ उससे ज्यादा मैं पैसा मैं बताऊँ सच बताओ इस दुनिया में तुम्हारे भाई बहुत तुम्हारे चमत्कारी है, बाबा आपसे भी बढ़कर, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ पूरे ईमानदारी के साथ कि आगे बढ़ाता नहीं है कोई, रिश्तेदार भी आगे नहीं बढ़ाते, पीछे खींचने वाले होते हैं, कोई कभी नहीं बताएगा सही रास्ता क्या है, क्योंकि उनको डर लगता है कि तुम पैसे कमा लोगे और उनको लगता है कि पैसे कमा के उन्हीं को आग दिखाओगे, तो ये कभी कोई नहीं बता, ना दोस्त ना भैया। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका हमेशा थैंक्स करो ये बात पे। आज ऐसे टेलीकॉम आए, तुमने लाइव 4G पावर सीपीयू सब निकाल के लगाया? सर बिल्कुल निकाला। डेली आईसी जो भी सेक्शन कर रहा है, चल रहा है आईसीयू का या डेड का, समझ में आ रहा है क्या? जी सर, थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसी कोई सी आईसी ऐसा कोई सा कंपोनेंट या ऐसा कोई सा कनेक्टर है जो आपने निकाला ना? ना सर, सबने हमने निकाल के फिर किसी भी सर पूरा प्लास्टिक कनेक्टर भी? यस सर। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाइए, क्या नाम है आपका? सर, आप भी खड़े जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, और अभी आप भी बच्चों क्या आ जाओ, आप दोनों एक साथ आइएगा। ठीक है, तो धीरज कहाँ से है? जम्मू। जम्मू से? अरे वाह, जम्मू से जब कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं जम्मू से और जे एन के से कोई आ रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा है। धीरज जम्मू में कहाँ से हो? जम्मू मेन जम्मू से। मेन जम्मू से, तो जम्मू से धीरज क्यों ऐसा हुआ कि जबलपुर आना हुआ, दिल्ली क्यों नहीं गए? डायरेक्ट होता सफर, जम्मू तो दूर हो गया, दिल्ली जबलपुर तो दूर हो गया। सर आपका नाम बहुत है ना? अच्छा जी, तो मुझे बताओ वाकई में धीरज जो ऐसे प्रोफेशन क्या था इनका, जरा इनसे पूछिए, बताइए जरा। मैं सर ट्रेनर था बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, जिम ट्रेनर था मैं। अरे वाह, तो आप मतलब बिल्कुल चेंज लाइन से है ना, तो आपने ऐसा मोबाइल रिपेयरिंग में आने का क्यों सोचा? सर लॉकडाउन में जिम वगैरह सारे बंद हो गए, अपनी शॉप थी वो खोली थी, वहाँ फोटो सेट वगैरह का रखा था, तो देखा इस फील्ड में पैसा आया, फ्रेंड्स की दुकान थी, मैं चाहे खुद ही ट्रेनिंग ली जाए। पर धीरज मैं मानता नहीं हूँ कि आप इस लाइन पे नहीं थे, क्योंकि आपके जो जवाब होते हैं वो तो एक बहुत प्रोफेशनल जवाब होते हैं, ऐसा क्यों? सर माइंड अच्छा है ना, पेशेंस अच्छे हैं, नॉलेज है, पढ़े। एक बार धीरज के लिए जोरदार ताली बजाओ यार। धीरज बहुत कंसिस्टेंटली बहुत गजब के जवाब देता है, और थ्रू आउट इनके जवाब, इनको लगता है पढ़ाने में मजा, मतलब होता है ना स्टूडेंट को पढ़ाने में खुशी मिलती है, आप सबको मिली मेरे को, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कम कोई ज़्यादा, पर एक होता है कि नहीं, धीरज के जवाब बहुत अच्छे आते थे मेरे को, मेरे को एक उत्साह आता था कि आगे बताऊँ मैं। धीरज ऐसा क्यों मतलब इतना ज़्यादा माइंड लेकर आए, क्या लगा आप ये इस टेलीकॉम में पहले दिन से आपके धीरज में कितना अंतर है? सब बहुत अंतर है, जब मैं यहाँ आया था मेरे को पीसीबी का पता ही नहीं था कुछ। हाँ जी। और मैंने पहले दिन पीसीबी रिवॉल्व जब आईसी रिवॉल्व किया था तो दीपक सर से पूछे मैंने क्या बोला था, मैं इतना खुश था। दीपक सर कैमरा लेना जरा, आओ दीपक सर, क्या बोले थे ये?
सर ये बोले थे कि क्या मैं इसको रिवॉल्व भी कर पाऊंगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो क्या मेरा पैसा वसूल होगा कि नहीं। हम कहें बस दो दिन रुक जाओ, तीसरे दिन तुमसे लाइव पावर 4G निकलवा के लगवाऊंगा। और मैंने लगाया सर, और इन्होंने खुद से लगाया था। CPU मेरे पास जियो का था, मैंने पहला फोन डेड कर दिया, नॉलेज नहीं थी, होना ही था, लेकिन दूसरा मैंने फिर रिवॉल्व करा और फिर उसे ऑन भी करा। ऑन किया उसके बाद कितनी बार करा ये बताओ? उसके बाद दो बार करा था। दो बार किया जी। धीरज, यहाँ पर आपने लाइफ में कभी PCB पे काम नहीं किया, यहाँ पर 4-4 साल 10-10 साल हो जाते हैं, रिवॉल्विंग घिस जाती है, लोग रिवॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, IC लगाते हैं, 4 लगती है, 1 नहीं लगती है, आपने आते साथ लगा दिया, कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ा? कॉन्फिडेंस सर, टीम बड़ी अच्छी है टेल कॉम की। यहाँ पर टीचरों का नॉलेज बताओ कैसा है? एंडलेस है, एंडलेस है बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है कि कोई ये स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है या इसके लिए नहीं है? यहाँ पे आप देखो कि आप खुद एक फ्रेशर हो जी, और बहुत सारे लोग और फ्रेशर हैं जी। सर ऐसा है, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि यहाँ पे ऐसा है कि जो 10 साल से काम कर रहा है, मुझे 7 दिन में उनके साथ खड़ा कर दिया, इससे ज़्यादा क्या देंगे? कोई भी DSO तक का फ्रिक्वेंसी लेवल तक का काम सिखाया यहाँ पर? हाँ सब सब सब। मैं PCB के अंदर एक कंपोनेंट से लेके एक CPU तक, क्या IC है, क्या काम कर रहा है, सब सारी नॉलेज देती है मेरे को। अच्छा मुझे बताओ, जम्मू से कोई नया आना चाहे तो क्यों आए? मैं सर एक ही बात बोलूंगा, अगर कोई 12 घंटे मेहनत कर सकता है तभी यहाँ आए, अदरवाइज ना ही आए। पक्का? पक्का सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग थकते हैं, टीचर लोग नहीं थकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल टैबलेट खाई थी और पेट वो भी डाला था लोगों का LV, अभी भी जेब में पड़ी है। मेरे साथ ये दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों के साथ एक साथ फीडबैक लेंगे। क्या नाम है आपका? गजानंद सर, महाराष्ट्र से। मैं विशाल, मैं भी महाराष्ट्र से। साथ में हो क्या? जी सर। अरे ये तो गजब हो गया, मैं तो ऐसे ही ले रहा था। मुझे बताओ आप लोग कहाँ से आए हो दोनों? मैं लातूर से हूँ। मैं परभणी डिस्ट्रिक्ट। तो जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है।
किससे मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है ये। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। मुंबई में कहाँ से? मुंबई से मैं मनीष मार्केट से। मनीष मार्केट का सेकेंड स्टूडेंट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, इससे पहले हमारे पास में आए थे, क्या नाम था? राजू। राजू।